का ये वायरल वीडियो पंच मिष्ठान दिलशाद गार्डन दिल्ली का निकला। जी हां, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मिठाई की दुकान पर खराब मिठाई की पोल खोल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मिठाई की दुकान पर ये हो रहा है वहाँ खूब चमक धमक देखी जा सकती है, यानी कि दुकान काफी बड़ी है और शोरूम जैसी लग रही है, मतलब महंगी दुकान और फीके पकवान। खैर, यहाँ एक बार फीके से काम चल भी जाता, क्योंकि फीके का मतलब बेस्वाद होता है, लेकिन यहाँ मामला बेस्वाद का नहीं बल्कि मिठाई में कीड़े निकलने का है। लेकिन इस वीडियो को लोग मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ इत्यादि की बताकर शेयर कर रहे हैं। जब हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो ये वीडियो अगस्त सितंबर के महीने का निकला, क्योंकि वीडियो को अगर गौर से सुना जाए तो इस वीडियो में रक्षाबंधन का नाम आ रहा है, साथ ही वीडियो में पंच मिष्ठान भंडार का नाम भी सुनाई दे रहा है। थोड़ा और गौर से वीडियो को सुना जाए तो वीडियो में एक शख्स किसी को कॉल कर रहा है और मिठाई की दुकान के बारे में बता रहा है, जिसमें वो दिलशाद गार्डन दिल्ली कहते सुना जा सकता है। जी हाँ, यानी कि ये मामला पूर्वी दिल्ली की पंच मिष्ठान भंडार दिलशाद गार्डन का है। इसके बाद हमने इस नाम से गूगल में सर्च किया तो वीडियो में दिख रही दुकान और तस्वीरें मेल खाती दिख रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर दिलशाद गार्डन की नामी मिठाई की दुकान पंच मिष्ठान भंडार का ही है। लोग इसे सोशल मीडिया पर मिठाई में फ्री का नॉनवेज कहकर वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। त्योहारों का समय है और दिवाली में महज कुछ दिन ही बचे हैं, लेकिन मिलावटी और घटिया मिठाई की बिक्री पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है और खाद्य विभाग के जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। पंच मिष्ठान भंडार दिलशाद गार्डन में मिठाई की दुकान का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि पंच मिष्ठान से एक व्यक्ति ने मिठाई खरीदी तो उसमें कीड़े निकले। वीडियो बनाने वाला ग्राहक कह रहा है कि देखो सब लोग, स्टाफ तुम भी देखो, सुंडी है, कीड़े हैं। वीडियो में ग्राहक कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ से 20-20 हजार की मिठाई लेकर जाते हैं और इस तरह की मिठाई बेच रहे हो। अन्य ग्राहकों को बुलाकर पीड़ित ग्राहक मिठाई का पीस तुड़वाता है तो सभी में कीड़े निकल रहे हैं। इस मामले में मिठाई दुकान का स्टाफ बहस भी करता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बता दें कि बाद में दोनों पक्षों में गाली गलौज भी सुनाई दिया। ये हालात है जब लोग नामचीन दुकानों से महंगी मिठाई विश्वास पर खरीद कर ले जाते हैं। इसके बाद हैरत इस बात की है कि मिठाई वाले सच्चाई को स्वीकारते भी नहीं है। खुले आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। हैरत इस बात की भी होती है कि भारी भरकम स्टाफ वाले खाद्य सुरक्षा विभाग घटिया मिठाई की बिक्री नहीं रोक पा रहा है, या फिर रोकना नहीं चाह रहा है। खैर, गरम जेब खराब चीजों को भी हजम कर जाती है, ऐसा कहा जाता है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि लोग जब तक खुद से जागरूक नहीं होंगे और खाद्य पदार्थ सोच समझ कर नहीं खरीदेंगे तो तब तक सेहत गड़बड़ होने से कोई नहीं रोक सकता है। खाद्य पदार्थ बेचने वाले आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। असल में बायकॉट तो ऐसे लोगों का होना चाहिए ताकि ये लोग आपकी सेहत और आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करने से पहले 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस। रुको, प्लीज कम, आप फ्री करो, आप एक कोई सा भी उठाओ, कोई सा भी पीस उठाओ, कोई सा भी इसे तोड़ो, दोनों हाथ से तोड़ो प्लीज, बीच में तो खोलो पैसे का। क्या है हैं? सुड़ी हैं कीड़े हैं, देखो सब लोग आके, तुम भी स्टाफ आके देखो, अपने हाथ से खोलो। मैं जो तुम्हारे यहाँ से 20-20 हजार की मिठाई लेके जाए इसलिए, और कौन है कस्टमर यहाँ पे? बेटा आप इधर आओ, बढ़िया इधर आओ, उठाओ बेटा कोई सा पीस उठाओ, दोनों हाथ से फोन यहाँ रख दो, आप उठाओ दोनों पीस, खोलो बेटा देखो क्या है। क्या है बेटा?
कीड़े, बोलो जोर से बोलो, कीड़े कीड़े हैं। कितने रुपए किलो की मिठाई है ये? ये मिठाई कितने रुपए किलो की है? हैं? ये मिठाई कितने रुपए किलो की है? मैं नॉन वेज नहीं खाता। हाथ नहीं ये खाना मुंह में।